पास हर बच्चा सफल कैसे हो, कुछ पढ़ाई को लेकर है, कुछ व्यापार को लेकर है। मैं हर घर के बच्चे को सफल बना सकता हूँ, कोशिश नहीं कर सकता, बना सकता हूँ और बनाऊंगा, मेरा ये मिशन चालू हो। जी गौतम जी, हम लोग जो है अपने ट्रस्ट के माध्यम से करीब 4 के बजाय 4.5 करोड़ से ज्यादा रुपयों के एयर कूलर और वाटर कूलर बांट चुके हैं, और मुझे लगता है कि ये धन मेरा नहीं है, समाज के प्रति इतना समाज का अधिकार बनता है, 36 बिरादरी का अधिकार बनता है। आज मैं कश्यप धर्मशाला में आया हूँ, सुल्तान समाज की सेवा कर रहे हैं, उसे सिकांत बहुत बढ़िया वो कर रहे हैं, नेक नीति चल रहे हैं, और भगवान हम तो ये कहते हैं इसको बहुत बड़ी बधाई दो, भाई अपना विधायक बन का हुआ। अच्छा एक सवाल और छोटा हमारा भाई, बीजेपी में आपने देखा भी होगा लोग का चेहरे पर, ये पंडित जी सारा खर्चा दे रहे हैं जी, बहुत अच्छे काम है जी, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या हल्के में शशिकांत जी से पहले भी ऐसे कार्य हुए हैं कभी, किसी ने सोचा है बच्चों के भविष्य के बारे में? कोई नहीं सोचा जी ऐसा, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जी। धन्यवाद। तो नमस्कार। नमस्ते एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने वही सुने गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल हम पहुंच गए हैं पानीपत के समालखा की कश्यप धर्मशाला में। भाई कश्यप धर्मशाला में एक बार कैमरामैन से कहूंगा भाई दिखाइए ये आप देख सको, ये वाटर कूलर जो है जन सेवक शशिकांत कौशिक ने जो है यहाँ पर दिया है भाई, और ऐसे ऐसे कितने ही जो है वाटर कूलर एयर कूलर एसी वगैरह जो है वो दान कर चुके हैं। फिलहाल हम कश्यप धर्मशाला में पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर जो है कश्यप समाज के कुछ गणमान्य व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद हैं, और समाज सेवी जन सेवक जो है शशिकांत कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे घर। नमस्कार। नमस्कार एंडी भाई। सर जैसा कि आपने कमिटमेंट किया था भाई, मैं आने वाले 2029 तक 5-4 साल के अंदर अपनी संपत्ति का 90% हिस्सा जो है दान कर दूंगा, ये कहीं ना कहीं सर उसी की शुरुआत है जो आपने आज तक लगभग मेरे हिसाब से जो हमारे पास रिपोर्ट आई है भाई 4 करोड़+ रुपए के जो है आप एयर कूलर वाटर कूलर और एसी दान कर चुके हैं। जी गौतम जी, हम लोग जो है अपने ट्रस्ट के माध्यम से करीब 4 के बजाय 4.5 करोड़ से ज्यादा रुपयों के एयर कूलर और वाटर कूलर बांट चुके हैं, और मुझे लगता है कि ये धन मेरा नहीं है, समाज के प्रति इतना समाज का अधिकार बनता है, 36 बिरादरी का अधिकार बनता है। आज मैं कश्यप धर्मशाला में आया हूँ, सुल्तान प्रधान जी है, त्रिलोक मेरे भाई हैं, रणधीर जी हैं मेरे बड़े भाई हैं, ये सारे लोग समाज के जिम्मेदार लोग हैं। इन्होंने मेरे को कहा था कि भाई हमारी धर्मशाला है उसमें एक एयर कूलर और वाटर कूलर की जरूरत है, जो हमने अपना फर्ज निभाया, आज एयर कूलर और वाटर कूलर देने का कार्य किया है। जहां सर बात करें अगर संपत्ति की, पैसा जोड़ने की, इंसान इतना लालची हो चुका है कि आज का टाइम हर इंसान चाहे उसमें मैं भी हूँ वो पैसा जोड़ने की उसमें रहता है, लेकिन आप पहले एक ऐसे समाज सेवी और ऐसे इंसान हो जो अपनी संपत्ति को लोगों में डोनेट कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये कहते हैं कि भाई क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, मैं ये मानता हूँ कि जो अपने हाथ से दान पुण्य अच्छे कार्य हो सकते हैं वे आदमी के साथ जाते हैं, इसलिए मैं स्वार्थी आदमी हूँ, मैं सारा सौदा साथ लेकर जाना चाह रहा हूँ, इसलिए सारा दान करने लग रहा हूँ, क्योंकि दान किया हुआ ही साथ जाएगा, छोटा है तो बच्चे के करेंगे के नहीं करेंगे इस बात का पता नहीं होता ही नहीं है, और मैंने 36 बिरादरी के बच्चों को जो अपना बच्चा मान रखा है, इसलिए मैंने 500 बच्चे गोद लेने का कार्य भी किया है जिसको हम सालों से पढ़ा रहे हैं, और 500 बच्चे हर साल सफल बनाने का प्रयास करेंगे, और तन मन धन से बड़ी शिद्दत से उनका पालन पोषण करके उनको नौकरी पे या व्यापार में सफल करेंगे। अच्छा सर कल की बात है, कल आपने अपने हलके का जो है दौरा किया था, वहां पर आप लोग आपको जो है लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है, आपने एक कार्यकर्ता के घर पर भी मतलब वहाँ भोजन किया है, तो इतना प्यार और सम्मान आपको मिल रहा है, क्या लगता है सर? ऐसा इस हलके के किसी आदमी में, 36 बिरादरी के किसी कार्यकर्ता में, किसी वोटर में, किसी सपोर्ट में कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि जो 2 इलेक्शन में हारा हूँ कोई ना कोई मेरी कार्यशैली में कमी रही है, मैं उसको सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। लोगों को जो लोग मुझे जो प्यार दे रहे हैं, लोगों के प्रति जो आस्था मेरी है, मुझे लगता है कि लोग अब की बार हमारे को 1 लाख वोट से ज्यादा देंगे। अच्छा सर, जनता अगर आपको अब की बार MLA बना देती है और सरकार में आपका हिस्सा हो जाता है, तो हल्के के लिए क्या नीतियां रहेंगी आपकी? मेरे पास पूरा प्लान तैयार है गौतम जी, यदि आप बैठोगे तो लंबा विषय हो जाएगा। मेरे पास हर बच्चा सफल कैसे हो,
कुछ पढ़ाई को लेकर है, कुछ व्यापार को लेकर है। मैं हर घर के बच्चे को सफल बना सकता हूँ, कोशिश नहीं कर सकता, बना सकता हूँ और बनाऊंगा। मेरा ये मिशन चालू हो चुका है। हर घर में जो बीमारियां आज घुस रही हैं गलत खान पान के कारण, गलत सोच के कारण, मैं सोच को और खान पान को इतना व्यवस्थित करूंगा कि किसी घर में कोई बीमारी नहीं रहेगी। और बीमारी रहेगी तो उसका उपचार कैसे होगा, ये मेरे पास ऑन पेपर है। मैं हर घर में सारे लोग स्वस्थ हों, सब लोग धनवान हों, सब लोग लखपति हों, करोड़पति हों, हर आदमी जॉब करे, व्यापार करे, ये सारा प्लान मेरे तैयार है। यदि लोग मुझे मौका देते हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं, तो हर घर में समृद्धि आएगी। ये हल्का इस हरियाणा का नहीं, देश का टॉप अग्रणी हल्कों में शामिल होगा, जो समृद्धवान होगा, धनवान होगा, सफल होगा और खुश होगा। जी धन्यवाद। तो यह हमारे साथ भाई जन सेवक समाज सेवी जो है शशिकांत कौशिक जी, जिनको पता नहीं जनता द्वारा टाइटल बहुत सारे दिए गए हैं, कोई महादानी कहता है, कोई महापुरुष कह रहा है, कोई भामाशाह कह रहा है, लेकिन वाकई में देखो हम भी सर्वे करते हैं हर जगह, आपने भी देखा होगा कहीं भी किसी भी हलके में इस तरह के दानवीर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहां लोग बनने के बाद भी सरकारी ग्रांट को जिम जाते हैं, वहां शशिकांत जी जो है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से जो है लोगों का भला कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। और जो यहाँ तक कि हम आपको एक बात पहले भी वीडियो में बता चुके हैं और अब भी बता रहे हैं, शशिकांत कौशिक जी ने जो इनका अपना यह शरीर है ये भी भाई मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए दान कर दिया है। क्यों सर, यही है ना? हाँ, मेरा जब दाह संस्कार होगा, जब मेरा वापसी जाने का समय आएगा, मेरी मृत्यु होगी, तो मेरे सर के बाड़ों से मेरा संस्कार किया जाएगा। मैं मौलाना मेडिकल कॉलेज में सारे गुंठे दस्तक करके CMO के साइन करा के दे चुका हूँ। मेरी सारी बॉडी जो है, जो किडनी गुर्दे हैं, वो आम जनमानस के काम आएंगे जिसको जरूरत होगी, और बाकी बॉडी जो है बच्चों के काम आएगी, ताकि आगे और बीमारियां ना फैले, और बीमारियां ना हो, उनका ट्रीटमेंट कैसे हो। मैं अपनी बॉडी दान कर चुका हूँ लगभग 4.5 साल पहले। धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो भाई अब हमारे साथ जो है कश्यप समाज के प्रधान जो है सुल्तान कश्यप जी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सुल्तान भाई राम राम। राम राम जी, उत्तम जी। आज शशिकांत जी जो यहाँ पहुंचे हैं और आपने जो बताया गया है भाई, यहाँ धर्मशाला में एक वाटर कूलर पहले था लेकिन उसमें पूरा नहीं पट रहा था, उसमें पूरा नहीं पट रहा था। समाज की सेवा कर रहे हैं शशिकांत, बहुत बढ़िया वो कर रहे हैं, नेक नीति चल रहे हैं, और भगवान हम तो ये कहते हैं इसको बहुत बड़ी बधाई दो, भाई अपना विधायक कौन का है। अच्छा एक सवाल और छोटा है हमारा भाई, बीजेपी में आपने देखा भी होगा लोग कहते थे पक्षपात करती है, जातिवाद करती है, ऐसा मतलब है बीजेपी में हमने तो देखने को नहीं मिला। जैसे कि अभी OBC समाज से पहला ऐसा CM बना है नायाब सैनी जो भाई मतलब ये इन सवालों पर जो है एक अंकुश लगा दिया, अब भाई बीजेपी जो है जातिवाद करती है, क्या कहना चाहोगे? बस उसमें जातिवाद तो ही नहीं जी, इसमें जातिवाद तो कुछ नाम ही नहीं है, कल भाई कोई नुके देगा इसमें ये जातिवाद हुआ है, ये हुआ है, कुछ वो जातिवाद नहीं, परमात्मा की दाता। एक बढ़िया गरीब तबके को, हर एक 36 बरादरी को लेकर बढ़िया सरकार चल रही है, बढ़िया काम कर रही है, और जब भी तो तीसरी बार मौका आया है। चलो धन्यवाद। तो नमस्कार। नमस्कार, थोड़ा संक्षेप में परिचय दीजिए। हाँ जी, रणधीर जी। आप प्रधान हो? प्रधान प्रधान। तो अभी शशिकांत कौशिक जी जो यहाँ पहुंचे हैं और इन्होंने भाई दान भी किया है यहाँ पहले भी, ये देखो भाई कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाना भाई पीछे, ये देखो एक एयर कूलर भी दे रखा है, कूलर दे रखा जी, ये वाटर कूलर दिया है, मतलब हल्के में पूरा दान कर रहे हैं जी, जी बहुत सेवा कर रहे हैं शशिकांत जी, और भगवान ने चाहे 100% हल्के में जीत रहेगी इसकी। शशिकांत जी की जो नीतियां रही हैं, शशिकांत जी ने जो है 500 बच्चों को गोद लिया है, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा सारा उठाने लग रहे हैं, लड़कियों के लिए जो है कोचिंग की व्यवस्था की है, तो इस बारे में क्या कहोगे? सारा ये पंडित जी सारा खर्चा दे रहे हैं जी, बहुत अच्छे काम है जी, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या हल्के में शशिकांत जी से पहले भी ऐसे कार्य हुए हैं, किसी ने सोचा है बच्चों के भविष्य के बारे में? कोई नहीं सोचा जी ऐसा, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जी। धन्यवाद। तो नमस्कार। नमस्ते भाई, थोड़ा संक्षेप में परिचय दीजिए। भाई मैं सुभाष कुमार संभाल खा जी। हाँ बोलो। तो पूछोगे पूछोगे, आज जो शशिकांत जी यहाँ पहुंचे और दिन दुगनी रात चुगनी जो अपनी संपत्ति जो इन्होंने एक वादा किया था जनता से, भाई मैं 90% जो है संपत्ति अपनी 2029 तक दान कर दूंगा, उसका जो इन्होंने बेड़ा उठाया, लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं भाई, जो नेता होते हैं वो झूठे वादे करते हैं, लेकिन शशिकांत जी के जो है अपने वादे पर कायम है और इन्होंने उसे संपत्ति को दान करने की जो है शुरुआत अब कर दी है। आपने अभी देखा होगा 4.25 करोड़ के करीब अभी इन्होंने दान कर दिया वाटर कूलर और एयर कूलर का,
तो क्या कुछ कहना चाहो? भाई दान की जड़ अरी हुआ है, भाई दान कर रहा 5-7-10 साल तक सेवा कर रहा पूरे हल्के की। अरे इसी समय नहीं, हर जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, गौशाला हैं, मारा एक कॉलेज है ताऊ देवीलाल के नाम था, उसमें सारे में वाटर कूलर और फ्रिज है, ठंडे पानी का जो वाटर कूलर और योग, किसी में एसी दे दिया, किसी में और कुछ दे दिया, गौशाला में पूरा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और भगवान हम तुम को है सारा हल्का मिलकर इबके बार इसका कर्जा उतार दे। बहुत बढ़िया बात भाई। एक शशिकांत जी से हमारा एक आखिरी सवाल भाई, आप लोगों को शायद आपको पता नहीं होगा भाई, शशिकांत कौशिक ने जो है गौशाला में आज तक का पानीपत डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे बड़ा दान दिया भाई, 11 लाख रुपए जो है गौशाला को दिया। एक बार सभी से कहूंगा भाई जोरदार तालियां बजाओ भाई शशिकांत जी के लिए। तो सर कैसे विचार रहा भाई गौशाला में 11 लाख रुपए आप डोनेट करो? अच्छा तो गौतम जी मैं बताना चाहूंगा कि 11 लाख रुपए तो अभी अनाउंस किया, 1 लाख रुपया दिया है, हफ्ते 10 दिन में हम सारा पूरा कर देंगे। और इस साल में या पिछले कुछ दिनों में हमने करीब 25-30 लाख रुपए और भी दिया है, तो हमारी नियत है कि इस साल 50-40 लाख रुपए हम गौ माता की सेवा में कंप्लीट करेंगे जी। तो सर कहीं ना कहीं जनता के द्वारा आपको एक गौ भक्त का भी दर्जा दिया गया है। गौशाला में आपने खोर तक दान कर दी, ट्रैक्टर ट्रैली दान कर दिया, अब 11 लाख रुपए जो इतना बड़ी राशि है कि आज तक शायद पानीपत जिले में क्या और भी कहीं इतना मोटा दान किसी ने दिया नहीं है। मेरी तुलना केवल मेरे से है, मैं रोज और बेहतर कैसे हूँ, मैं किसी से अपनी तुलना करता नहीं। जब भी आप किसी से अपनी तुलना करते हो तो भगवान उसमें बुरा मानता है, तो मैं किसी दूसरे की बात नहीं करता। मैं जो आज कर रहा हूँ इसे बेहतर होने का प्रयास करूंगा, इसे बेहतर करूंगा, इस विजन के साथ में जीवन जी रहा हूँ। चलो धन्यवाद सर। त्रिलोक भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या कुछ कहना चाहोगे जो इतने दानी सज्जन जो है आपके बीच में बैठे हैं और इतना दान कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी जो है ये दान करने में लगे हुए हैं? मेरा तो कहना यही है गौतम जी, हमारे शशि भाई जी बहुत ही नेक इंसान है इस हल्के के, और अब दो बार हार करके भी इन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई है कि अपना शरीर भी दान कर दिया और 500 बच्चों की शिक्षा पर भी खर्च कर रहे हैं, और हर जगह जैसे हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं कसबराज धर्मशाला में भी, मेरे गांव जीतगढ़ के शिव मंदिर में भी एक कूलर भी, और ये आज हमारी धर्मशाला के अंदर ये वाटर कूलर भी आज दान दे रहे हैं। पूरे हल्के के अंदर ये कार्रवाई, इनका फंक्शन चल रहा है। और मैं तो यही कहूंगा कि अब की बार मेरे शशिकांत भाई यहाँ से हल्के इसवाल का सीट से विधायक बनाएंगे हम इनको, और हम मैं वादा भी करता हूँ इस पब्लिक के सामने कि त्रिलोक भाई तन मंदन से जैसे 2 साल 2 प्लान को बात करी है, ऐसे ही कति गोडा तोड़ जी तोड़ मेहनत करूंगा और अपने भाई को विधायक बना करके लेके आऊंगा, और परमात्मा की दया से, महर्षि कश्यप की कृपा से, माता रानी की कृपा से ये विधानसभा के अंदर एक मंत्री पद पर भी बैठेंगे, मेरा ऐसा कहना है सर। चलो धन्यवाद। तो नमस्कार। नमस्ते भाई सर। क्या कुछ कहना चाहोगे? शशिकांत जी जो यहाँ पहुंचे हैं और वाटर कूलर जो है यहाँ दान किया है, और 500 बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं निःशुल्क, हर साल पढ़ाएंगे, उनका सारा खर्चा उठाएंगे, लड़कियों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की है, गौशाला में जो है दान किया 11 लाख रुपया, ट्रैक्टर ट्रेली पहले दे चुके हैं। हम तो देख रहे हैं भाई साहब की शुरू से ही भाई शशिकांत जो है संस्थाओं में दान दे रहे हैं, मन से तन से धन से, बिल्कुल लबालब संस्थाएं हैं, हर एक यहाँ कश्यप समाज से ही नहीं, जहाँ भी जिस समाज को जरूरत होती है वहां पर ये जाते हैं और वहां पर दान करके आते हैं। जहां तक बच्चों की पढ़ाई की बात की, आप लोगों ने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है भाई ने, क्योंकि देखा हमने भी गवर्नमेंट में इसमें बीजेपी की सरकार में कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उनको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, पढ़ो आगे बढ़ो। अभी 2-3 दिन पहले HCS का रिजल्ट आया, हमने देखा कि जो गरीब से गरीब परिवारों के बच्चे भी हैं जिन्होंने पढ़ाई की ईमानदारी से, वो आगे बढ़े हैं, HCS बने हैं। सपनों में भी नहीं सोच सकता था बच्चा एक गरीब का कि मैं प्रॉपर HCS में आके, मेंस में आके SDM लगूंगा, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं HCS में बच्चे आ रहे हैं गरीब परिवारों से और वो ज्वाइन करके अच्छी तरह से अपना नौकरी कर रहे हैं। चलो धन्यवाद। तो भाई ई बाप ने क्या लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो, और इस वीडियो ने लाइक कर दियो जरूर, शेयर का तार दियो फतूर, ताकि वीडियो पहुंच जाए दूर दूर। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।